الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال جل وعلا كما ورد في سوره القصص تلك الدار الاخره نجعلها للنزين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين صدق الله العظيم طب يشرح لي صدري ويسر لي امري ويحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي

मैंने आज से कोई ग्यारह दिन कबल कराची ही में फारान क्लब के ज़ेर तमाम एक खास बड़े इज्तम से खिताब करते हुए क़ुरान मजीद का फ़लसफ़ा शहादत बयान किया था अगरच मेरा मेन मज़मून था क़ुरान मजीद का फ़लसफा शहादत ताहम उसके साथ ही मैंने चूँकि ये आम तौर पर भी शहादतों का ज़माना शुमार होता है ज़िलिज में हज़रत ऊस्मान रजी अल्लाह तन शहीद किए गए यकम मुहर्रम हराम को हज़रत उमर रजी अल्लाह तुम की मफात हुई है अगरचि वो ज़ख्मी हो गए थे अट्ठाईस जिलिज को फिर ये सानह करबला पेश आया है दस महर्रम को तो ये दिन होता है ऐसा कि जिसमें इन्हीं मौजुआत पर तकारीर होती हैं तो मैंने फ़लसफा शहादत के साथ साथ एक ज़मी के तौर पर खलफा सलासा की शहादत और सानह करबला का तारीख़ी पस मंर भी बयान किया लेकिन वो मेरा असल मौजू नहीं था असल वक्त सर्फ़ हुआ था क़ुरान का फ़लसफाई शहादत और दूसरे ये कि इन तारीख़ी पस मंर के बयान में भी जाहिर बात है कि अब करबला तक पहुँचते पहुँचते वक्त भी ख़त्म हो रहा था और मेरी हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी इसलिए उसका जिक्र बहुत ही इजबाल के साथ हुआ था उसके अगले ही रोज टेलीविजन के जेर एहतम एक मुजा हुआ और वह फिर टेलीकास्ट किया गया है एन योम को दस हराम की शब्द। उसके जमन में एक तो वादा खिलाफी की जो उस प्रोग्राम के कम्पेयर है अनिकमद साहब उन्होंने और मैंने उसी वक्त प्रोग्राम के खात्मे पर उनसे शिकायत कर दी थी कि उन्होंने मुझे जो बताया था वो था कुरान का फलसफा शहादत तो जाहिर बात है कि यान में उसी के लिए तैयार होकर गया था लेकिन वहां उन्होंने जब शुरू की महफिल तो वहां पर उन्होंने उनवान बयान किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अब यह अगरचि यकीनन इनमें बाहमी ताल्लुक तो है लेकिन ये के बहुत काफ़ी फ़र्क है कि एक आप फलसफा शहादत से चल कर और शहादत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तुम तक पहुँचे और एक ये है कि असल हुई है बहरहाल जो भी उस वक्त तो अब जाहिर बात है कि कोई और शक्ल नहीं थी जो भी गुफ्तु हुई उसमें मैंने वो पूरा हिस्सा लिया लेकिन दूसरी जाति उन्होंने ये की कि उसमें से मेरे बयान के बहुत से हिस्सों को हजफ कर दिया उस काट छाँट से एक तो मेरा नुक़ः नज़र पूरे तौर पर कारीन या नाजरीन के सामने नहीं आ सका सामीन के सामने नहीं आ सका और दूसरे उससे कुछ मगालते भी पैदा हुए तो मैंने ये सोचा कि अब यहाँ इस जुमे में मैं उनकी वजाहत कर दूँ इसीलिए बसरार मैंने ये मौजू रखवाया कि सान करबला का तारीखी पस मंज़र क्या है अलहदुल्ला के जहाँ तक वो मुजाकर जो उनके रिकॉर्डिंग रूम में स्टूडियो में मुनदद हुआ वो बहुत ही पूरा मन बहुत अच्छे अंदाज में हुआ और उसमें कोई यानी यूं समझिए कि ज़्यादा आर्गूमेंट जिसे कहते हैं उसकी भी ज़रूरत पेश नहीं आई अमूमन तमाम बातों पर कंसेंसस और एक तरह का इजमा सामने आया और उसका ख़ास सब ये है कि मेरे अलावा सुन्नी में से तो मौलाना एहतरामवी साहब थे और वो भी बहुत शुराख किस्म के आदमी हैं और शिया हजरा में से जो दो हजरात थे वो भी नहायत माकूल नहायत संजीदा और नित शराफत और मरुअत का मुजस्मा नजर आए इनमें से एक साहब से मेरी पुरानी याद अल्लाह है अलामा डॉक्टर कल में सादक इनका ताल्लुक लखनऊ से है और ये मेरे अंदाजे में मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता इस वक्त जो बर अजीम पाक हिंद में नाम वर्मा है अहल तशयों के उनमें से ये चोटी की शख्सियत है इसमें किसी शक को सुनने की गुंजाइश नहीं बहुत मुसल्मा आलम दीन है न सिर्फ आलिम दीन है बल्कि डॉक्ट्रेट भी उन्होंने की हुई है। दूसरी बात यह कि ये भी लखनऊ के रहने वाले थे और मौलाना सैयद अबूल हसन अली नदवी रहमत आ भी लखनऊ के रायबरेली के रहने वाले थे जो चालीस पैंतालीस मील दूर है लेकिन उनका असल मरकज तो आपको मालूम है दारूम नदबतलम लखनऊ तो उनके साथ इनके बड़े ही बिराजदाना ताल्लुक़ आते हैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत और मौलाना आलिमिया रहमतल्ल भी इनके इजात में जाकर शरीक होते रहे हैं और उन्होंने एक फकर्रा भी नकल किया मौलाना आलिमिया रहमत आल का कि आज हमें कोफे और दमिश की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि करबला की तरफ देखने की ज़रूरत है तो बहरहाल मौलाना आलिमिया रहमत जो खास तल्क था हज़रत अल्लाह आली रजील्ल्ला त के साथ उस पर तो उनकी एक हज़ीम जो है हज़रत आली की सरत मतरा पर वो खुद दलालत करती है तो डॉक्टर कलब सादक जो है वो एक तो अहले तशैयों के चोटकी के उमाम से मौलाना अलीमिया के साथ उनके बरदराना तल्लु खुद मेरे साथ उनका मामला ये रहा उसकी वजह क्या है कि ये इतिहाद बैनमसलम के बहुत बड़े दाई और रबरदार हैं शी सुन्नी जो है मुनाफरत और मुखास्मत की बजाय चाहते हैं कि मुफाहमत फाहमत हो औरब हो और गलतफहमियों का इजाला हो इसी वजह से उनकी खसूसी नज़र इनायत मुझ पर रही है मुझे ये तो पूरी तरह याद नहीं कि कराची में भी उनसे मुलाकात हुई थी या नहीं लेकिन एक मरतबा लाहौर तशीफ लाए थे और वहाँ मुझसे मुलाकात हुई फिर एक मरतबा मैं न्यूयॉर्क में था और इतफ़ाक़त इनका भी वहीं पर क्याम था या तशरीफ़ आवरी हो गई थी तो वहाँ भी बड़ी मुफसल मुलाकात के लिए वो तशरीफ़ लाए थे फिर मेरा जो एक किताबचा कह लें किताब कह लें दरमिया शह है शिया सुन्नी मफाहमत की ज़रूरत और अहमियत इसके ये बाकायदा मुबलिक रहे हैं उसके बहुत से नुस्खे उन्होंने मंगवा कर अपने तौर पर यहाँ मुहरम हराम की जो इनकी मजालस होती हैं इस मरतबा भी उसी के लिए तशीफ लाए हुए थे तो उसके अंदर उन्होंने उसका तारफ़ कराया उसकी तारीफ़ की और उसके बहुत से नुस्खे जो हैं वो फ़रोख्त करवाए तो ये मैंने असल में आपके सामने एक पस मंतर रख दिया है उस शख्सियत का कि जो इसमें मेजर रिप्रजेंटेटिव थे अहल तशैयो की तरफ इन्होंने एक नकता जो बयान किया वाक़ ये है कि मेरे मेरा जहन भी उधर मुंतकिल नहीं हुआ था इससे पहले उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाने वाले को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए शरा बकरा में तो फरमाया उन्हें मुर्दा मत कहो वो फी सभी बल वला बला तरू वो तो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनका शरूर नहीं लेकिन सूरह आले इमरान के अंदर जो आयत आई है हर मत समझना उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए कि वो मुर्दा है वो जिंदा है अपने रब के पास से रिस् पा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह राह में कत्ल हो जाने वालों को पकतूल कहना ही नहीं समझना भी गलत है दिल से भी बात जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि वो मुर्दा है बल्कि वो जिंदा है इस शद्दोम के साथ समझना हर गज़मत समझना उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए कि वह मुर्दा है वो तो जिंदा है अपने रब के पास से रिस्पा रहे इस दर मेरा जहन नहीं गया था मैं उसको तस्लीम कर रहा हूँ दूसरे जो शी आलिम दीन थे मुझे उनका पूरा नाम मुस्ज़र नहीं है नकवी साहब वो भी डॉक्टर भी हैं और आलिम दीन है वो भी थे और वो भी बहुत ही यूँ समझिए कि दलील को तस्लीम करने वाले और बहुत ही माक़ूल अंदाज में घुसम करने वाले थे बहरहाल जब वो मुजाकर शुरू हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर में सादिक साहब को दावत दी गई कि वो उजार ख़्याल करें उन्होंने इन्हीं दो आयतों के हवाले से जो अभी मैंने बयान की है एक नुकता भी बयान किया कुछ और बातें भी बयान की उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मुझसे कुछ और सवाल किया गया था लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ सवाल ये किया गया था डॉक्टर कलम सादिक से कि कुरान का फलसफा शहादत क्या है तो मैंने कहा जो सवाल आपने उनसे किया था मैं उसके जवाब से अपनी बात शुरू करना चाहता कि मेरे नज़दीक कुरान मजीद में अल्लाह की राह में कत्ल होने के लिए लफ्ज शहादत आया ही नहीं हदीस में जरूर आया है बसीग मजहूल फ़कत उस तुष उसकी शहादत कबूल कर ली गई या उसको शहीद बना लिया गया और इस मानी में सिर्फ एक जगह पर इम्कान है पूरे कुरान में सूर्य आमरान की एक आयत में और यह तख अमिन कुम शहदा कि वहाँ इसके मानी लिए जा सके मकतूल फीस अभी बाकी कहीं भी नहीं ये तो असल में कार रिस के लिए एक असलाह है हर रसूल शाहिद बनकर आया शहीद बनकर आया यहाँ दुनिया में वह अपने अमल से अपने कौल से इंफरादी इज्तमाही सतह पर हक की गवाही देता रहा और क्यामत के दिन खड़े होकर प्रोजीक्यूशन वटनेस की हैसियत से अपनी कौम के खिलाफ गवाही देगा कि अल्लाह मैंने इनके सामने तेरा पैगाम पहुँचा दिया था अब जो कुछ इन्होंने किया उसके ज़िम्मेदार ये हैं दे कॉन्ट्लीट इग्नोरेंस वो ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था हमें बताया नहीं गया था बहरहाल इस पर मुझे बड़ी खुशी हुई जब अलामा नकवी साहब ने इसको इस नुकते को बहुत सराहा और उन्होंने तस्लीम किया कि, कि कुछ दिनों से मुझे भी ये ख्याल हो रहा था यानी यह कि यह कोई ज्यादा पुराना ख्याल उनका नहीं था उन्होंने फरमाया कुछ दिनों से मुझे भी ये ख्याल हो रहा था कि कुरान में तो ये लफ्ज़ शहीद और शहादत इसमानी में है ही नहीं मेरा गुमान यह है कि चूंकि इस मौजुअ पर मैंने बहुत तकरीरें की हैं साल हर साल से तकरीरें कर रहा हूँ कुरान का फलसफा शहादत क्या है और उसके हवाले से यह कि उम्मत मुस्लिमा का क्या फ़र्ज मनसबी है शहादत अलनास की क्या जिम्मेदारी है जो उम्मत मुस्लिम पर है तो ये तो मेरी दावत कुरानी के अहम मदाम में से है तो हो सकता है कि मेरी ही किसी तकरीर की कि कोई उड़ती हुई ख़बर उनके कानों तक पहुँची हो आलम लेकिन उन्होंने इस नुकते को सराहा और मुझे अल्लाह के फजलोक करम से मुझे उस पर खुशी हुई कि बजाय इसके कि वो उस पर कोई आर्गूमेंट करते कोई बहस व तभीस करते उन्होंने मेरी उस बात को तस्लीम किया और उसकी गोया के तइज की फिर मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ तक खुलफा सलासा की शहादत का और शहादत हुसैन या सानह करबरा रज़ी अल्लाह तुम अजमैम का ताल्लुक है असल में उसको नहीं समझ सकते लोग जब तक के रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का फलसफा समझ में ना आए जब किसी मुल्क में किसी ख़त अर्जी में कोई इनकलाबी तहरीक चल रही होती है या इब्तः में तो इनकलाबी लोग चंद होते हैं कमज़ोर होते हैं ज़यीफ़ होते हैं उनसे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता लेकिन कशाकश के दौरान एक वक्त आ जाता है कि फिर जो मुखालिफ इनकलाब हैं वो ये समझ बैठते हैं समझ समझ जाते हैं कि अब हमारी पेश नहीं जा रही अब हमारा बस नहीं चलेगा लिहाजा सर झुका दो इसे पंजाबी मुहावरे में कहा जाता नहीं नीवी पाओ इस तो, तो वक्त को गुजारो अब उसके बाद फिर कोई मौका मिला तो देखेंगे कि इस इंकलाब को हम अंडू कर सकें काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ये असल में फलसफा समझ में ना आए और रेवोल्यूशन का फलसफा समझ में ना आए तो, तो नबी समझ में नहीं आ सकती मन हज इंकलाब नबी मेरी किताब है उसको पढ़िए तो सीरत का वह तजी आपके सामने आएगा जो आपकी आंखें खोल देगा कि सीरत को हम क्या समझते रहे और सीरत असल में है क्या बहरहाल ये काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी कि जब अरब में हजूर को फैसला कुल कवत हासिल हो गई तो जो भी मुखालफी थे उन्होंने सब झुका लिया सरेंडर किया इस्लाम लिया है वो जाके छुप गए इस्लाम के लिबादे में लेकिन वो थे इसी धा में कि फिर कभी मौका मिले तो फिर हम इस निजाम को दहोबाला करते तलपट करते ये रद्द अमल सबसे पहले खुद अरब के अंदर पैदा हो तुम्हें मुशरकिन अरब को जब सूर तोबा की पहली छः आयात नाजिल हुई है जिनमें अल्टीमेटम दे दिया गया कि अब किसी मुशर कबीले से कोई मुहिदा अल्लाह का उसके रसूल का नहीं हुआ तुम्हें चार महीने की मोहलत दी जा रही है या ईमान ले आओ और या तुम्हें कत् कर दिया जा रहा हो ये बहुत सख्त आयात है क़ुरान की सूर तोबा की इब्तदाई छः आयात हो हज़रत अली रजी अल्ला कहना यह है कि इस आपको मालूम है कि मसफ़ में ये वाहिद सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लमीम ने लिखी मिली आपको नजर आती बाकी एक सौ तेरह सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लर है तो क्या वजह है यहाँ क्यों नहीं है <laughs> हज़रत अली का फरमाना है कि यह सूरत तो तलवार हाथ में लेकर उतरी है और बिस्मिल्लर में अल्ला के दो आसमानर्रहमान और रहीम तो ये गोया कि उससे उतजाद सूरत हाल है कि अब तुम्हारे लिए आखिरी मौका है या ईमान ले आओ और या कत्ल कर दिए जाओ इसमें एक तीसरी गुंजाइश खुद ब खुद निकलती थी या ये मुल्क छोड़कर चले जाओ और ऐसा बहुत से लोगों ने किया भी लेकिन अक्सर लोगों ने गर्दन चुका है लेकिन रद्द अमल जाहिर हुआ एक तो मुर्तदीम खड़े हो गए जिन्होंने नई नई नबूतों को मार लिया एक मान ही जकवात खड़े हो गए कि हम जकवात तुम्हें नहीं देंगे ये रद्द अमल था मशरक अरब का मशरकन अरब का और हजरत अबूबकर दफ्तर फ़जाई का यह बड़ा अहम बाब है हालांकि वो बहुत रक़ीकल कमजोर नहीफुलजस्सा इंसान थे लेकिन यह के अजीमत कोह हिमालय जो है उनके अंदर ज़ाहिर हुई है फिस्ट, इन सारी जो रद्द की तो जो, जो तहरीकें थी उन्हें कुचल कर बदलें और फिर पूरे अरब को गोया कैसर नौ उसमें इस्लाम के निज़ाम को कंसोलिडेट करके हजरत उम्र के हवाले कर रजी अल्लाह तारा हजरत उम्र के ज़माने में जो जंगे हुई उसमें सल्तनत रोमा जो है जो उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी सल्तनत रोमा कैसर रूम हिरकलियस हिरकल था उस वक्त का रु, जो रूबी जो कैसर रूम था हुक्मरान था शहनशाह था और दूसरी तरफ ईरानी ममलकत थी हसरों परवेज था लेकिन यह कि ईसाइत के साथ इस्लाम का उस तरह का तसादुम नहीं हुआ था हजूर के ज़माने में बल्कि नजाशी रहमत ने तो मुसलमानों को पना दी थी माकोकस पैट्री आर्ट जो थे उन तो उसके अलेक्न्ड्रिया के उन्होंने हजूर के जो नामा मुबारक गया था उसका बड़ाम किया तक्रीम की तोहफे भेजे की खिदमत में हरकल ने भी कोशिश की थी किसी तरीके से जैसे कोई ढाई सौ बरस पहले या तीन सौ बरस पहले हाँ तीन सौ बरस पहले जैसे कॉन्स्टेंटाइन जो एम्प्रर था रोम का उसने ईसाइत कबूल की थी और सारी सल्तनत ईसाई हो गई थी लिहाजा उसकी सल्तनत बाकी रही उसकी हुकूमत बाकी रही इसी तरह हम सब मुसलमान हो जाए लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया लेकिन यह कि कोई उसने कन्सेंटेशन नहीं की हजूर से अलबत ईरान का मामला यह था कि उसके पखचेड़ गए उसने हजूर के नाम मुबारक को चाक किया था हजूर ने फरमाया जब इतला मिली कि उसने अपनी सल्तनत को चाक कर दिया उसके कर है उसके टुकड़े कर दिए बहरहाल वहां रद्द अमल शदीद था और ईरानी जान लीजिए कि इनके अंदर बहुत स्ट्रांग नेशनलिज़्म है आज भी है आज भी है स्ट्रांग नेशनलिज्म लिहाजा उनके यहाँ रद्द अमल शदीद था उनकी तो सल्तनत ख़त्म हो गई नसिया मनसिया हो गई वजूद ही नहीं रहा लिहाजा वहाँ से जो काउंटर रेवोल्यूशन शुरू हुआ है वो फिर हरमुजान जो एक बहुत बड़ा जर्नेल था उसने बड़ी आयारी के साथ अपनी जान बचाई थी ये बड़ा दिलचस्प वाक़ है कि वो यानी कंडम्ड था इस्लामी हुकूमत की तरफ से खिलाफत की तरफ से कि वो जहाँ भी पाया जाए उसको, उसको कत्ल करना है हजरत उम्र की अदालत में ला के पेश किया गया हजरत उम्र ने कहा ये वाजब में है कत्ल कर दो उसने कहा अच्छा मुझे पानी पिला दीजिए हजरत उमर है भाई पानी, पानी, दे दे। पानी का कटोरा के लिए मुझे पहले जमानत दीजिए कि जब तक मैं ये पानी न पी लूँ मुझे कतल नहीं किया जाएगा हा, हाँ हाँ हमारा वादा है। उसने वो कटोरा फेंक दिया पानी का करो मुझे कतल कैसे करोगे मैंने वो पानी तो नहीं पिया इससे अपने आप को बचाया उसने बहरहार आप इख्तलाफ कर सकते कि हज़रत उमर को इस इसक को कबूल नहीं करना चाहिए था लेकिन बहर उनकी अपनी मरूबत और शराफत थी कि आपने वादे का पास किया उसकी साजिश से अबू नूनू फिरोज उसने हजरत उमर को शहीद किया यह गोया के दूसरी काउंटर रेवोलूशन मूवमेंट थी उन्होंने ये समझा था कि ये सारी चक्की जो चल रही है जैसे चक्की की एक किल्ली होती है वो किल्ली जगह से हट जाए तो चक्की कैसे चलेगी यही बात हजरत अली ने फरमाई थी हजरत उमर से रजी अल्लाह तुम जब शाम के महाज पर कुछ पशपाई सी हो रही थी तो हजरत उमर ने इरादा किया मैं खुद जाऊंगा महाज पर और कमांड करूंगा हज़रत अली रजी अल्लाह फरमाया कि नहीं अबिरमनि आप मत जाएँ चक्की उसी वक्त तक चलती है जब तक कि किल्ली गड़ी हुई आप किल्ली हैं इस वक्त इस निज़ाम की जिसके गिरद ये इस्लाम की च, च, चक्की घूम रही है आप मत जाए लिहाजा हजरत उम्र ने उनकी बात मानी इस कदर साहिब मशवरा था जो किया था महाराज उन्होंने यह समझा था कि उम्र ही के बल पर चल रहा है ये सब कुछ लिहाजा उम्र को पीछे हटा देने सब बैठ जाएगा लेकिन जाहिर बात है कि मोहम्मद रसूल की बनाई हुई इमारत सल्ला इतनी कमज़ोर नहीं थी उसके बाद हजरत उमर के इंतकाल के बाद हजरत उस्मान का इंतखा हुआ और हजरत उस्मान के भी दस साल पहले जो है वो बिल्कुल हजरत उमर की जो दौर खिलाफत है उसके बिल्कुल मुशाबे हैं मुमाशी हैं हमारे जहनों में ये तस्वुर बिठा दिया गया है कि सारे बारह साल शायद फितना ही फितना रहा फसाद ही फसाद रहा दंगा रहा लड़ाई रही नहीं नहीं दस साल पूरा अमन और जिस तरीके से फतोहत का सैलाब हजरत उम्र के ज़माने में जा रहा था उसी तरीके से हजरत उस्मान के दस सालों के दौरान गया आखिरी दो सालों में एक फितना उठा है ये फितना क्या है इसको समझ लीजिए मजाहब की जो तीन से कंफ्रेंटेशन हुई थी एक तो यह कि ममलकतों में से मलिकत हरकल रूब ममलकत ई ईरान रूबी सल्तनत की दो टांगें मुसलमानों ने तोड़ दी शिमाली अफ्रीका से निकाल दिया मगरबी एशिया से निकाल दिया लेकिन यूरोप में वो कायम था उसकी सल्तनत थी लेकिन ईरानी सल्तनत का बिल्कुल तिया पाचा हो गया खत्म हो गया इसी तरीके से तीन मजाहिब से कन्फ्रेंटेशन हुई मुशरकिन अरब से उसका मैं बयान कर चुका हूं उनका पहला वार हजरत अबू बकर खिलाफत में हो गया दूसरे जो ईसाइयों का मामला था उनसे भी कोई तसादम नहीं हुआ हजूर के हयात तैयबा के दौरान लेकिन जो यहूदियत बतौर मजहब इसको ज़ाहिर बात है कि इस्लाम ने इसको खत्म किया था कम से कम जजीरा नुमाएँ अरब से मदीने में तीन कबीले थे जो अपनी गद्दारी की वजह से और अपनी सुलह को तोड़ने के जुर्म की पादाश में दो निकाले गए और तीसरा जो है उसके तमाम जो भी जो जवान अफराद थे उन्हें कथी किया गया फिर खैबर पर हमला किया गया और खैबर को जो है फतह किया गया वो यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ था और जो मदीने से निकाले गए थे वो भी वहीं जाकर मख्क हो गए थे तो इस एतबार से और फिर यहूदी अपने आप को समझते थे अल्लाह की तरफ से दुनिया में जो नुमाइंदा जो है उम्मत वम है अब उन्हें माजूल करके उम्मत मोहम्मद को वहां पर खड़ा कर दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा वो बहुत ज़्यादा न्यूज समझिए अग्रीवड सबसे ज़्यादा जिनको गजन पहुँचा है उदुओं के दस्ते मुबारक से वो यहूदी थे लिहाजा उनका जो रंद आया है वो है जिसके नतीजे में हज़रत रमान शहीद हुए हज़रत अली शहीद हुए हज़रत हुसैन शहीद अब इस चीज़ को अच्छी तरह समझिए ये जो रदल है ये एक शख्स के जरिए से आया और इसीलिए बाद लोग ये समझते हैं कि ये सामसा की कहानी है क्या एक आदमी इतना बड़ा काम कर सकता अब्दुल्लाबन सबा एक यहूदी जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हजरत उस्मान के अध खिलाफत में मदीने में आ गया ठीक उसके बारे में तो मैं बाद में अर्ज करूंगा लेकिन एक शख्स क्या कुछ कर सकता है उसकी मिसाल मैं आप दे दू आपको पहले हजरत मसीह सलाम के पूरे दिन को एक शख्स ने खत्म कर दिया सेंट पॉल जिसे दुनिया जानती है जिसके नाम से तोहद को तसलीस में बदल दिया हजरत ईसा तो तोहिद की तलकीन करके गए थे तोहद खत्म तसलीस आ गई जिसमें पहले बाप माँ और बेटा थे उसके बाद बाप बेटा और गुहुल को तो गए तसलीस नंबर दो शरीय मूसरी को साखिब कर दिया लिहाजा अब पॉलिज्म जो है क्रिस्टनिटी नहीं रही वो हजरत ईसा तो कहकर गए थे कि शरीय तुम पर लागू रहेगी नाफि रहेगी सात करती है। नंबर तीन उसने देशाइत उसने के दायरा तबलीग को वसी कर दिया जेंटाइल्स या गोयम्स के अंदर भी गैर यहूदियों में हालांकि हजरत मसीह कहकर गए थे कि तुम्हें सिर्फ यहूदियों से खिताब करना है और मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया अब आप देखिए हजरत मसीह के फौरन बाद और हजरत मसीह की जिंदगी के दौरान जब तक कि वो मौजूद थे वो बदतरीन दुश्मन था हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का बाद में लिबादा ओढ़ा और यह कि मुझे वो काशफा हुआ है वह काशफे में मसीह से मेरी मुलाकात हुई है मैं उन पर ईमान ले आया हूँ और फिर उसने अपने जोहद और दीनदारी का जो भी फ्रॉड था उसके नतीजे में अपनी हैसियत बना ली दीन मसी को बिल्कुल खितम कर दी आज कहा है वो दीन मसीह हंड्रेड के मुसनि ने भी साफ लिखा है कि जब तक हजरत मसीह दुनिया के अंदर मौजूद थे ईसाइत की हैसियत यहूदियत एक फिर से ज्यादा नहीं थी यहूदियों का एक फिर एक जमात बस ये सेंट पॉल है जिसने इसे एक मुस्तकिल मजहब की हैसियत इख्तियार की है सो तो इट शुड बी कॉल्ड पॉलिज्म और यह एक आदमी का कारनामा इसी तरीके से यह तो हो गया हजरत मसीह के फौरन बाद रफे समाधि के फौरन बाद पंद्रह सौ बरस के बाद एक तहरीक चली है यूरोप के अंदर इस्लाह मजहब और इसकी पुष्ट पर भी यहूदी जहन था यहूदी जहन ने ईसाइत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को अपना आलायकार बनाया ये एक अलहदा मजमून है जिस पर मैं तफसल में नहीं जाना चाहता मेरी किताब भी मौजूद है इस मौजू पर सबका और मौजूदा मुसलमान का माजी हाल मुस्तबिल उसमें मैंने तफसल बयान की ये जो तकसीम हुआ है तो वो पहली बात एक यहूदी जैसे कि अल्लामा इकबाल ने मार्क्स भी तो एक यहूदी था ना तो इंग्लिस की मंज़िल से शूर में बड़ा प्यारा शेर है वो यहूदी फितनागर वो रूह है मस्दक का बरूस हर कबा होने को है उसके जुनून से चाक चाक ये एक यहूदी फितनागर मार्क्स ने वो तस्वूर दुनिया को दिया जिसने अजीम इनकलाब बर्पा किया रूस के अंदर रेवोल्यूशन और जो फिर आधी दुनिया तक फैल गया आज से पचास साल पहले अमरीका कांपता था रूस के, के सामने खड़ा हुआ कांप रहा था इसलिए कि रूस साइंटिफिक तरक्की में अमरीका से बहुत आगे था उसके एस्ट्रोडॉट पहले गए हैं खला के अंदर अमरीका तो बहुत पीछे था बहरहाल उसने जिस तरीके से यूएसएसआर का खात्मा कराया है वो एक अलग बात है मैं इस वक्त उस तरफ नहीं जाना चाहता लेकिन जान लीजिए कि वो एक शख्स का कारनामा वो यहूदी फितनगर, वो रूह है का बरूस हर तबाह होने को है उसके जुनू से तार तार इसी तरह वो अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी फितनगर। आज अहले तशैय में से बात हजरात कहते हैं कि यह अब्दुल्ल अबन सबा यह तो अफसानवी शख्सियत इसकी हकीकत कोई थी ही नहीं हालांकि उनके अपनी किताब में रिजाल कशी के अंदर उसका जिक्र मौजूद है और ये भी मौजूद है कि हजरत अली रजी अल्लाह ने अपने अध्य खिलाफत में उसे जिंदा जलवाया है उसकी वजह क्या थी ये आया मदीने के अंदर इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर किसने चंद अकीदों की इशाक़ शुरू की सबसे पहले हजरत अली तो खुदा गॉड इनकारट अवतार का तसवर जैसे हिंदुओं में है रामचंद्र जी खुदा का अवतार और ईसाइत में भी पहले गॉड इनकारनेट का तस्वर था कि हज़रत मसीह खुदा का अवतार है इनकारनेशन ऑफ गॉड तो इसने कहा कि हजरत अली तो खुदा का अवतार है खुदा है नंबर दो उसने कहा कि हर नबी का एक वसी होता है जिसके हक में वो वसीयत करता है तो हजूर सल्लम के वसी हज़रत अली है। लिहाजा खलीफा तो अव्वल बहुत से हज़रत अली हैं हज़रत अबू बकर हजरत उबर हजरत ओस्मान ये तो गासिब है और हजरत ऊस्मान की खिलाफत थी इस वक्त ख़ास तौर पर फिर उसने जो कबायली असबियत थी उसे भड़काया पुरानी जो अशबियत चल रही थी कुरश के अंदर वो दो घराने एक दूसरे के बंदे मुकाबिल थे देखिए एक होता है कबीला एक होता है घराना हमारे पंजाब में एक कबीला है वट्टू कबीला उसके घराने बहुत से माने के लाले के फज्जे के शामद के यानी कोई लाला था उनमें से बड़ा उनके बेटे हो गए लाले के उनकी उनकी औलाद खानदान ये कहलाते हैं कबीला है कि ये वट्टू कबीला तो कबीला था कुरैश उसमें घराने बहुत थे बनु हाशिम बनु उमैया बनु तीम बनु आदि ये बहुत से घराने थे तो जोटी के दो घराने जो थे वो बनु हाशिम और बनु उमैया इनके दरमियान चप थी मुकाबला मुसाबकत और ये मसाबकत फिलखैर भी होती थी अगर उन्होंने गरीबों को खाने खिलाए हैं तो हम उनसे बढ़कर खिलाएंगे। अगर वो हाजियों की खिदमत करते हैं तो हम उनसे बढ़कर करेंगे तो उनके अंदर ये मसाबकत इतल खैर भी थी लेकिन जब कलिश थी कि कोई तो हमसे आगे ना निकल जाए वो समझता था वो आगे ना निकल जाए पर इस शख्स ने उस पुरानी असवियत को ताज़ा किया कि हज़ूर तो बनो हाशिम में से थे लिहाजा खिलाफत हक़ है बनो हाशिम का ये गासिब है इससे पहले दो खलीफा जो थे वो न बनु हाशिम से थे न बनु मैया से थे हजरत बनु तीन में से थे छोटा कबीला था हज़रत उमर बनी आदि में से थे वो भी छोटा कबीला था ये हजरत उस्मान पहले खलीफा जो बनु मैया में से थे जिनकी पुरानी चपकलिश बनु हाशिम से थी अब उसको मौका मिल गया कि पुरानी कबायली को भड़काया ये है असल में उस फितने का पस मंजर अब्दुल्ला अब्न सबा ने जो आकर फैलाया है और इसकी तफसील मैं इस वक्त में नहीं जा सकता कैसे ये फितना परवान चढ़ा क्या इन्होंने स्ट्रेटजी इख्तियार की कि ये क्या करते थे ग्रोह बनाकर भेजते थे लोगों को कोफे में जाओ तो वहाँ पर दमिश के गवर्नर के ख़िलाफ़ और मिस्र के गवर्नर के ख़िलाफ़ इल्जाम लगाओ उसने ये किया वो गबन कर गया वो ये कर गया वो ख़यानत कर रहा है वो रिश्तेदारों को पाल रहा है और उस्मान के ख़िलाफ़ भी तकलीरें करो रजी अल्लाह तुम दमिश में जाओ तो कोफे के गवर्नर के खिलाफ क्योंकि दमिश के गवर्नर के खिलाफ बात करोगे तो लोगों को मालूम होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन ये कि वहाँ तो तुम बात करो कोफे के गवर्नर के खिलाफ और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ और हजरत स्मान के खिलाफ मिस्र में जाओ तो बात करो कोफे के और शाम के गवर्नर के खिलाफ और हजरत स्मान के खिलाफ ये उन्होंने ऐसा उठाया और उस ज़माने में आपको मालूम है जरा रसलो रसाइल थे नहीं ना इस फितने की पता का पता चल सका जब तक कि वो फितना जो है पूरी तरह बरगोबार लागत तरावर दरख्त नहीं बन गया उसके नतीजे में हज़रत स्स्मान रजी अल्लाह तनो शहीद हुए और खलीफा फिर हज़रत अली रजी अल्लाह तनो को इन्हीं सवाइयों ने जिन्होंने घेराव किया था जिन्होंने हज़रत ओस्मान को शहीद किया है यही हज़रत अली रजी अल्लाह तहु के इर्द गिर्द हो जरत अली रजील्ला भी नहीं चाहते थे खिलाफत की लेकिन आखिर क्या करते क्या वो उम्मत को बगैर खलीफा की छोड़ते थे उन्होंने नहीं माना हजरत अली से कहा गया, से, गया। अब में से यही तो थे ना लिहाजा उन्होंने तो उसके बाद जो खाना जंगी हुई है उस खाना जंगी के नतीजे में नोट कर लीजिए कि एक लाख के करीब मुसलमान एक दूसरे की तलवारों और नेजों और बच्चियों और तीरों से खत्म हला ये हमारी तारीख का तारीख तरीन बाब है पांच साल साढ़े चार साल हजरत अली की खिलाफत के और छह महीने हजरत हसन की खिलाफत के रजी अल्लाह तीन इससे क्या हुआ कि एक तरफ तो इस्लाम की जो तोसी हो रही थी थमता न था किसी से सैले रवा हमारा वो सैलाब रुक गया इंटरनल सेमोटाइज हो गई ना तो अंदर ही आपसी में तो अगर दस्तों गरीबान हो गए तो बाहर अब क्या तो करते हैं वो तोसी का अमल रुक गया और यूं समझिए कि जैसे ट्रक अगर कभी चल रहा हो भरा हुआ हो लोडिंग और वो चढ़ाई चढ़ रहा हो तो अगर कहीं मोशन टूट जाए ट्रक को रुकना पड़े तो ड्राइवर के जान पर बन जाती है इसलिए कि उसको दोबारा स्टार्ट करना और जबकि वो चढ़ाई पर है इनकलाइन पर है आसान काम नहीं होता खतरा होता है वो पीछे जो है वो न जाए और पहाड़ी इलाकों में आपको मालूम है ज़रा पीछे चले जाने का मतलब जो है बहुत खतरनाक जो है नतीजा निकल सकता है बहरान हजरत अली रजी अल्लाह तु ने अपने खिलाफत में एक काम ये किया अब उसकी क्या मसलाहतें थीं ये तो उन्हीं के इल्म में होगा हम कयास कर सकते हैं मैं इसमें नहीं जाना चाहता अभी तक खिलाफत का मरकज था मदीना मनोवर हज़रत अबकर हजरत हज़रतमान वहीं जहाँ अलैहि सल्लाम रहे थे और जहाँ पर के हुजूर मदफूब थे लेकिन हज़रत अली ने अपना मरकज जो है वह कोफ़ा बना दिया अच्छा उसकी एक जाहरी वजह यह समझ में आती है कि इस्लाम का जो फैलाव हो गया था वह सल्तनत इतनी वसी हो गई थी कि मदीना मुनवरा बहुत जुनूब में और बड़े सहरा कोबूर करके जाना होता कोफा जबकि ऐसी मकाम पर था कि जहाँ से मशरक़ी रास्ता जा रहा है ईरान को इराक़ ईरान इराक़ के अंदर तो है वह वो, वो शहर कोफा और फिर ईरान और खुरासान और हिंदुस्तान को रास्ता जा रहा है वहीं से शिमाल की तरफ जा रहा है शाम की तरफ और तुर्की की तरफ और वहाँ से फिर यह कि मगरबी अफ्रीका को भी कंट्रोल करना जो शिमाली अफ्रीका था वो भी आसान था बहरहाल हज़रत अली ने कोफ़ा को अपना मरक़ बनाया और नतीजा ये हुआ कि सबाइयों का भी मरक़ वही बना चूंकि उन्होंने अपने आप को गिरदा गिर्द रखा हज़रत अली के रजी अल्लाह तब जाहिर बात है किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ तो कोई मुकदमा मौजूद था नहीं बल्कि जब जंग जमल हो रही थी अभी जंग नहीं हुई थी हजरत आयशा हजरत तलहा हज़रत ज़ुबैर वो लेकर आए थे लश्कर इस मुतालबे के लिए कि हज़रत ओस्मान के कातिलों को सजा दी जाए किसान लिया जाए हज़रत अली रजी अल्लाह से गुफ्त शनीद हो रही थी हज़रत अली जो है उस पर आमादा हो गए ठीक है मैं जो भी का, कातलेन ऊस्मान है उनको गिरफ्तार करके सजा दूंगा एन उसी वक्त कोफे की मस्जिद के अंदर जो है दस हज़ार का मजमा खड़ा हो गया हम सब कातिल ओस्मान हैं लो हमसे बदला कहां से लोगे और उन्होंने क्या किया जाते ही जंग छेड़ दी और जब छिड़ जाए तो या मरो या मारो इसके सिला तो कोई चारा कहान होता ही नहीं एक रात में दस हज़ार मुसलमान शहीद हुए जिनमें दो अरसर में से हज़रत ज़ुबैर और हजरत तलहा रजी अल्लाह तुम तो यह सूरत थी सबाइयों ने घेराव किया हजरत अली का रजी अल्ला हजरत मुआविया दावेदार नहीं थे खिलाफत के कतल नहीं उनका सिर्फ एक दावा था और वो यह था कि उस्मान के कातिलों को गिरफ्तार करो या खुद सजा दो या हमारे हवाले करो हम उससे कहसास लेंगे इसलिए कि कबीला बनूबैया का था और हजरत अदी माविया बनबैया में से तो एक ख़ानदानी तौर पर जो है हम कहसास लेंगे उनसे जिन्होंने कत्ल किया है हजरत हज़रतान की लेकिन यहाँ जाहिर बात है कि हज़रत अली रजील्ला तरफ से मुतालबा ये होता था तुम पहले मेरी बैठक करो मेरे हाथ मजबूत करो ताकि मैं इनके खिलाफ कोई इकम कर सकूँ लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा था कि अगर मैंने बैठत की तो जाहिर बात है कि हजरत अली तक पहुँचने से पहले पहले मुझे गर्दन उड़ा दे नहीं इसलिए कि सबाई जो है वो आपको घेरे हुए बहरहाल एक अजीब उलझाओ एक डायलेबा था जिसकी वजह से ये जंग चलती रही हज़रत अली रजी उन्हीं के शी आने अली ही के अंदर से वो जमात अलहदा हुई थी जिसको हम खवारिज के नाम से जानते हैं और एक खारजी ने हज़रतली को शहीद किया रजी तिर हजरत हसन रजी अल्लाह तब देखिये किस कदर सही बात थी जो हज़रतली रजी अल्लाह तरमाई जब उनसे कहा गया कि क्या हम आपके बेटे हसन के हाथ पर बैठ कर लें रजी अल्लाह तुम फरमाया ना मैं तुम्हें इसका हुक्म देता हूं ना मैं इससे रोकता हूँ ये तुम्हारा मामला है अमर हूँ शूरा बहना हूं तुम अपने बाहबी मशवर से जो फैसला करोगे ठीक है मैं ना हुक्म देता हूँ ना रोकता हूँ इसका क्या मतलब है बाप के बाद बेटे की खिलाफत हरगिज हर, हराम नहीं है वरना कहते कैसे हो सकता मेरा बेटा नहीं यह नहीं कहा आपने हजरत उमर से भी कहा गया था कि अपने बेटे को नामजद कर दें अब्दुल्लामर को तो उन्होंने जवाब में क्या कहा उसे तो तलाक देनी भी नहीं आती उन्होंने अपनी किसी रोजा को तलाक़ दी थी और उसमें जो सही तरीन तरीका है वो इख्तियार नहीं किया था उसे तलाक देने तक नहीं आती तो मैं उसे खलीफा बना दूँ ये नहीं कहा था कि बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं हो सकता ये तो नहीं था कहीं ख़राब नहीं है न किताब व सुनत में ना कोई हदीस है ना कहीं कुरानी मजीद में तो हजरत अली ने भी फरमाया रजी अल्लाह ना मैं रोकता हूँ ना हुक्म देता हूँ ये तुम्हारा अपना मामला है बहरान हजरत हसन रजी अल्लाह तुमने हजरत अमीर मुआविया से सलाह कर ली खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी देखिए मैं हज़रत अबूबकर हजरत उमर हजरत ऊस्मान हजरत अली के साथ हजरत हसन के दौरे खिलाफत को भी खिलाफत राश नाबे से समझता हूँ और तभी तीस साल पूरे होते हैं उस हदीस के मुताबिक कि हजूर ने फरमाया खिलाफत तीन तीस बरस रहेगी फिर मनुकीयत आ जाएगी हजरत तो हसन का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उस खाना जंगी का दरवाज़ा बंद कर दिया और यह पेशन गोई थी हजूर की सल्ला सल्व, हजरत हसन को जो बच्चे थे इंतकाल से पहले मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह कराएगा ये हजूर की पेशन गोई थी और वो पेशन गोई हजरत हसन के इलमें भी होगी यकीन बहरहाल उन्होंने सुलह की हजरत अमीर माविया के साथ रजी अल्लाह तिलाफत उनके हवाले कर दी थी और कुछ शराब थी तय हो गई अल्लाह खैर सब हजूर की तो ये पेशन गोई जो है सही साबित हुई मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करा देगा और उन्हें दिए या आर अल मोमिनों के लिए मुजिब आर मुजिबर्म तुमने बुस्तरी दिखाई तुमने अमीर बाबिया को खलीफा तस्लीम कर लिया तुमने बुस्तरी दिखाई सुन सुन अब मैं कुछ बातें हज़रत अदी माविया के बारे में कहना चाहता हूँ इसलिए कि वहाँ इसमें मैंने हज़रत मुअविया के बारे में ये तो बहुत शदुंगत के साथ कहा था और मैं अब भी उस पर क़ायम हूँ और पूरी तरीके से कायम हूँ मेरा मुस्तकिल मौक़ यही है कि हज़रत माविया रसी के दौर खिलाफत को हम खिलाफत रास्ता में शामिल नहीं समझते अहल सुन्नत में से कोई भी नहीं समझता लेकिन इसके साथ मैंने हजरत अनिर मुआविया के कुछ मुनकिद भी बयान किए थे ताकि पलड़ा जो है तराजू का उसके दोनों पलड़े सामने आ जाए लेकिन ये वो हिस्सा मेरे इस बयान का निकाल दिया गया ख़त्म कर दिया गया ये मैं नहीं जानता कि इसमें क्या मसलाहत देखी गई है इसमें तो किसी के लिए कोई मामला ऐसा नहीं था किसी के जज्बात को जो है वो ठेस पहुँचाने वाला क्योंकि मैंने कहा वो खलीफा राशिद नहीं थी साफ मैंने कहा बल्कि वो दौरे मलुकियत का आगाज उनसे हो गया बल्कि जब एक साहब ने यह कहा कि करबला के बाद से दौरे मलूकियत आ रही थी तो मैंने कहा नहीं जनाब दौरे मलोकियत तो बीस साल पहले पूरी हो चुकी थी शुरू हो चुकी थी हजरत अबीर मुआविया के भी बीस साल जो है वो दौरे मलोकियत में शुमार हैं उन्हें किसरल अरब भी कहा गया अरब के किसरा जो शहनशाह ईरान का खिताब था हजरत मुाविया रजी अल्लाह तसरल अरब कहा गया। अरब का किसरा ये लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो सहाबी रसूल है रजी अल्लाह तजूर के बरदर नस्बती भी हैंजू के साले हैं उनकी हमशीरा उम हबीबा हजूर के जोज मोतरमा है उमिन है। उम हबीबा रजी अल्लाह फिर किस कदर मोहत आ गए थे के के काबाने वही में शामिल थे वही की किताबत करने वाले चंद लोग थे जिन्हें के हजूर कहते थे कि अभी आयत लिख लो उनमें से एक अमीर भाविया भी रजी अल्लाह तो बड़े तवासुन की ज़रूरत है देखिए साहबा किराम का जहाँ तक ताल्लुक़ है अहल सुन्नत का मौक़ यह है कि सहाबाकुल्लु तो मदूल साहबा सब के सब नेक नीयत हैं और उनकी रिवायत जो है कबूल की जाएगी रद्द नहीं की जाएगी उन पर कोई जरा उतदल नहीं होगी इसलिए कि उनका तजकिया मोहम्मद रसूल ने किया था लिहाजा यह तो हो सकता है कि किसी साहबी से कोई ख़ता हो जाए लेकिन वह खतः इजतहादी होगी नीयत की खता नहीं होगी नीयत की गलती नहीं होगी अगर किसी सहाबी की नीयत पर हमला किया जाए तो ये असल में तांग है हमला है हजूर पर कि वो तबीयत दे नहीं सके अपने साथियों सुन माज़ल्ला सुना वो तस्किया कर ही नहीं सके तीन जगह जो कुरान में आयातलूल तो क्या तस्किया किया अगर उनके करीब तरीन साथी जो थे अगर उनके अंदर भी बदनीयती थी और दुनिया की तलब थी और दुनिया के अंदर इकतदार हासिल करने का जज्बा था तो फिर क्या क्या तस्किया किया महाजंद सुनना महाजा लिहाजा साहबा सब के सब रदूल हैं और उनसे इख्तलाफ मुमकिन है लेकिन उनकी नीयत पर हमला नहीं हो सकता तो हजरत अमीर माविया की शख्सियत एक चीज़ है आपका दौर खिलाफत दूसरी चीज़ है शख्सियत के अतबार से साहब रसूल है बिरदर नस्बती है के। और फिर यह कि इस कदर मोहतमद अल है साहबा में से कि वो काते बाने वही ये आम आदमी के करने का काम नहीं था जो वही की किताबत करें अल्लाह के कलाम की अलबत्त यह है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया उनका दौर दौरे खिलाफत राश्ता नहीं है वो मलोकियत का दौर है ये मैंने जैसा कि अर्ज़ किया मैंने एक साहब ने जब यह कहा कि मलोकियत शुरू हो रही थी मैंने शुरू नहीं हो रही थी मोलूकियत तो बीस साल पहले शुरू हो चुकी थी इसी तरीके से एक साहब ने कहा था इस्लाम को कायम करने के लिए हजरत हुसैन मैदान में, में आए मैंने कहा यह भी गलत थी इस्लाम तो साठ साल पहले कायम हो चुका था नबी अक्रम सुल्लाम के दस्ते मुबारक से इस्लाम कायम हो गया जाल हकोल बातिल खाना जहूक फिर तीस बरस तक वो कामिल शक्ल के अंदर कायम रहा तो इस्लाम जो है वो जो है दरहीकत अब कायम करने वाली बात नहीं थी अलबत्त उसके अंदर जवाल शुरू हो गया था उस जवाल के अमल को रोकने के लिए हजरत हुसैन मैदान में आए तो ये एक चीज़ को सही तारीखी परस्पेक्टिव में रखना तो जिस तरह से दीन को कायम करने के लिए कायम तो किया मोहम्मद रसोलू रसी अल्लाह तुम उन्होंने किया था हाँ अब जो है वो अपनी उस शानदार हैसियत से नीचे गिरने लगा था वो मैं बाद में अर्ज करूँगा कि मैंने उसे क्या अर्ज किया था कि ये उस सवाल को रोकने के लिए किसी तरीके से ये अपनी असल हकीकत में कायम रहे ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तार सही थे अच्छा हजरत अबीर माविया के जो बीस साल हैं वो पूरे अमन सुकून इत्मीनान कोई झगड़ा कोई फसाद कोई इख्तलाफ कोई बाहनी नहीं कुछ नहीं बीस साल ये भी तारीख की बड़ी चश्म कुशा हकीकत है जो आमतौर तो पर लोगों के है सबाई भी दबके रहे हजरत अबीर मुआविया की हुकूमत इतनी मजबूत थी कंट्रोल कि उनको कुछ सर उठाने का मौका नहीं मिला मौजूद थे दबके रहे जैसे कि मैंने कहा रेवल्यूशन के आखिरी मरहले पर आकर जो मुखालफी है वो दब जाते हैं कि फिर देखेंगे मौका मिलेगा तो फिर लेंगे इनसे हिसाब किताब बीस साल रहे हैं पूरे अमन के दस साल के बाद यानी दरमियान में है हजरत अबी ने माविया का आहद खिलाफत एक सहाबी जो के बजुर्ग साहब अब से मुशा रजील ते कहते हैं कि देखिए अमिर कितनी बड़ी खाना जंगी रही थी मुसलमानों की आपस में और अब भी अगर आप किसी को नामज़द किए बग़ैर छोड़ गए उम्मत को तो फिर खाना जंगी हो जाए एक लाख उस वक्त जो है वो हलाक हुए थे न मालूम अब कितने हलाक लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी ही में नामजद कर दीजिए किसी को खलीफा वाली अहद बना दीजिए हज़रत अमीर मुआविया ने इब्तदान जो है इनकार किया नहीं लेकिन उनके दलाइल ऐसे थे वजनी और मैं समझता हूँ कि वो बात सही थी जो मुगर शोबा ने कही इसलिए कि अब साहबा क्राम में से जो किबारे सहाबा थे वो तो सब दुनिया से रुखत हो चुके थे अब तो या सिगारे साहबा रह गए थे जो हजूर के जमाने में बच्चे थे हजरत हसन हजरत हुसैन अब्दुल्ला बच्चे थे ना। या तो वो थे और यार्कुल मुस्लिम थे और नौ मुस्लिमों में बड़ी तादाद वो थी जो ईरानियों की थी शामियों की थी उधर की थी उधर की थी तो उनको तो मुसाहिर बात है कि तरबियत नबवी से क्या खिलाफ राशद से भी अक्सर वेशरकों को, को हिस्सा मिला ही नहीं था तो इस सूरत में अब वो अला तरीन मैार पर हुत के निजाम को कायम करना मुमकिन नहीं है कोई कबायली असबियत जब तक हुकूमत की पुष्ट पर नहीं होगी हुकूमत मुस्कब नहीं होगी ये गोया के एक जिसको कहते हैं कि हकीकत भी नहीं वाकईत पसंदी एक आइडियलिज्म है और एक रियलिज्म है कि आप फैक्ट्स ऑन दी ग्राउंड को गौर करें सोचें उसके ऊपर और फिर कोई फैसला करें इस एतबार से फिर हज़रत अबीर अबीविया ने बात मान ली और बैत ले ली लोगों से हजरत तो यजीद के लिए कि ये खलीफा होंगे मेरे बात इसको वली अहदी कहते हैं अच्छा उस वक्त पांच अफराद ऐसे थे कि जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया ये बात बहुत अहम है मेरा किताब क्या है सानहा करबला उसके कुछ नुस्खे आज यहाँ होंगे आप लोग पढ़िए उसे गौर से और फैलाइए ताकि हकीकत सामने आए पांच अफराद कौन थे जो होने चाहिए अबू बकर फौत हो गए उनके बेटे अब्दुलरहमान इबन अबी बकर उमर फौत हो गए उनके बेटे अब्दुल्ल अबन उमर अब्बास फौत हो गए उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास ज़ुबैर फौत हो गए उनके बेटे अब्दुल्लाबन जुबैर और हज़रत हसन से जो है उनका इंतकाल हो चुका था हज़रत अली के बेटे हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तजमाई हज़रत हसन के बारे में एक फरीक का कहना यह है कि उन्हें जहर देकर हलाक किया गया अहल तशैय का कौल यह है जबकि अहल सुन्नत कहते हैं कि नहीं वो अपनी जो भी तभी वह मौत थी उससे उनके मफा लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता इसलिए कि यह माइक्रो हिस्ट्री जो है ना वो तो एक, एक वाक्य के लिए इधर की रिवायात क्या उधर की क्या है इनके पास क्या दलाई इधर के ये मेरा ये तो किसी रिसर्च स्कॉलर का मौजूद है मेरा मौसू नहीं लेकिन क्योंकि बहरहाल ये पांच हजरात थे जिन्होंने वली अहदी की बैठ नहीं की लेकिन हजरत मुआविया इतने हरीमत उत्तमा इंसान थे उन्होंने जबर नहीं किया कोई तशद नहीं किया ठीक है वली अहदी की बैठ नहीं कर रहे कोई बात नहीं मेरी बैठ तो की हुई है ना अभी तो मैं जिंदा हूं बात खत्म हो गई मेरी बैठक को तो नहीं तोड़ा उन्होंने फसक बैठ नहीं की इस एतबार से उन्होंने ना कोई तशद किया ना जबर किया ना कोई को किया लेकिन जब अमीर माविया का इंतकाल हो गया अब वली अहदी की बजाय वो अब खिलाफत की बैठ की सब लोगों ने बैठ कर ली उन पांच में से एक फौत हो चुके थे हजरत अब्दुलरहमान अभी बकर फौत हो चुके रसी अल्लाह तार थे इन चारों में एक इख्तलाफ हुआ दो की राय यह थी अब्दुल्ला इब्ने उमर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कि अगरचे यह काम गलत हुआ है इस्लाम की रूह के मनाफी हुआ है यह बात शाह की बुनियाद पड़ रही है लेकिन यह बात ऐसी नहीं है कि इसकी बिना पर हम खाना जंगी शुरू करवा दें उम्मत के अंदर खून खराबा करवाए फसाद करवाए लिहाजा उन्होंने बैठ कर ली अब कोई अगर ये कहे माजल्ला वो बिक गए थे यजीद के हाथ और माजल्ला माजल्ल्ला वही बात आप अख्तलाफ कर सकते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी ये कोई राय रखे मुझे इख्तलाफ नहीं लेकिन उनकी नीयत पर हमला करेंगे तो हमला मोहम्मद पर होगा अब्दुल्ल इबन उबर कौन है कितनी हदीसें उनसे जो है वो मनकून हैं अब्दुल्ला इबन अब्बास कौन है जिन्हें हजूर ने जो है जिनके लिए दुआ की थी एल्ला फते हुदी वालमतावील है इस नौजवान को दीन का फैम अटाकर और कुरान की तावील और तफसर का हिब्रम कहलाते वो कहीं पैसों और टकरों के वजाने वाले नहीं थे उन्होंने उम्मत की मसलाहत देखी नीयत जो है उस पर हमला न कीजिए अलबतः अख्तलाफ का हक आपको हासिल दो हजरात जो है डटे रहे कि नहीं हमें कम वट में रिजिस्ट करना है अब्दुल्लामर के अतबार से वो बड़े हैं मुसलमानों में सबसे पहले विलादत मदीने में जाकर जो हुई है वह अब्दुल्ला अबिन ज़ुबैर की हुई है हिजरत करके जब महाजी वहाँ पहुँचे कुछ अरसे तक किसी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई तो लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि मालूम होता है कि यहाँ आकर ये मक्के के रहने वाले जो हैं कमज़ोर हो गए हैं उनके यहाँ औलाद ही नहीं हो रही क्योंकि तो अब्दुल्ल अबिन ज़ुबैर की विलदत हुई है ये हज़रत अबू बकर के नवाज़ से हजूर के जौ महतरमा हजरत आयशा की बहन हजरत देखिए अभी नाम निकल गया है जी हजरत असमान रजी अल्लाह अलहमा ये उनके सामने आते हैं हजरत जुबैर के बैठे इनका फैसला हुआ कि हमें रिजिस्ट करना है कम वट में एट एनी कॉस्ट हजरत हुसैन इबन अली रसी अल्लाह तुम का भी फैसला हुआ कि हमें रजिस्टर करना है कम वट में अलबत् इन में भी एक अख्तिलाफ हो गया यानी ये दो तो जुड़े रहे इन दो में इतलाफ हो गए अब्दुल्ला कहना यह था कि हमें हिजाज में रहना चाहिए यह सरजमीन है जिसमें नबूत की बरकत सबसे ज्यादा है यहां हम मजबूत किले के अंदर हैं। हमें यहां से जो है रजिस्ट करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए इस निज़ाम के अंदर जो खराबी आ गई है सब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तुम के पास खतूत का तांता बना हुआ था कुफे से लोग खत लिख रहे थे आइए 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 हम आपके हाथ पर बैठ करेंगे हम आपके हाथ पर बैठ करेंगे हम आपके हाथ पर बैठ करेंगे यही वो कोफा जो हजरत अली का दारुल दारुलखिलाफा रहा था और जो फिर सबाइत का गढ़ बन गया था चुनाच हज़रत हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा वहां पर कि मेरे नुमाइंदे की हर से जाकर वहाँ पर बैठ लो दस बारह हज़ार अफराद ने बैठ कर ली लेकिन उसके बाद यजीद की तरफ से गवर्नर बना के भेजा गया इब्ने जयाद को इब्ने जयाद ने आकर जो तशद किया और सख्ती की तो सब के सब बैत तोड़ कर और सब मुनहरिफ हो गए मुखलसिन तो थे नहीं अलकूफी लायूफी कूफी जो है वो तो कोई वादा वफा करने वाला होता ही नहीं बैत तोड़नी तो नफसी बैत के बाद देना बहुत बड़ा मना है तोड़ नहीं इतला मिल गई हजरत हुसैन को चल चुके थे वो रास्ते में थे कि वहां तो मुस्लिम बेनकील शहीद हो गए और सब लोगों ने बैठ तोड़ दी अब वापस जाना चाहते थे लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो है अड़ गए ये अरब की अपनी एक जो है पुरानी उनकी हबीयत और उनका कबायली निज़ाम कि अब हम अपने वालद के खून का कहसास बगैर नहीं जाएंगे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तरवत और शराफत के लिए मेरा साथ देने के लिए आए थे अब मैं इनका साथ ना दूं तो ये तो शराफ दो 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 के खिलाफ है कहा अच्छा चलो चलते वहां जाकर भी एन अपने मैदान के अंदर भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने तीन चीजें पेश की उन कोफियों के लश्कर के खिलाफ सबसे बड़ा लश्कर तो लश्कर के अंदर सबसे बड़े तो कूफी थे जिन्होंने बैठे की हुई थी हजरत हुसैन के साथ देखो मुझे जाने दो वापस हिजाज की तरफ या मुझे सरहदों पर भेज दो ताकि मैं काफिरों के साथ जंग करते हुए अपनी जान दे दूं या मुझे यजीद के पास जाने दो मैं अपना मामला उससे तय कर लूं लेकिन कूफियों को यह गवारा नहीं था अगर ये यजीद के पास पहुंच गए तो हमारा कच्चा चिट्ठा बेहन कर देंगे कि मुझे तो इन लोगों ने बरगला कर बुलाया था इसलिए कि देखिए हजरत अमीर मुआविया के बीस सालों के दौरान मैं बता चुका हूं उनकी हुकूमत इतनी मुस्ताकम थी कि उसके खिलाफ कोई इतना उठाना मुमकिन नहीं था अब चूंकि चेंज ओवर हुआ था और चेंज ओवर में आपको मालूम होता है कि एक जिसको कहते हैं एवरी थिंग इज़ इन मेल्टिंग पॉट अभी तो ये दरमियान के अंदर मामला है तो उन्हें बौक़िल असर उठाया हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तुक को जो खतूत लिखे जिसके के थैले के थैले बोरियों की बोरियाँ भरी हुई हजरत हुसैन के साथ थी वो कहा कि आइए हम आपसे बैठ करें उन्होंने नहीं माना और असल में हजरत हुसैन के कातिल वो पूफी है वो बुजदिल वह मुनाफिक जिन्होंने बैठ करके बैठ तोड़ी और अब वो आ गए कि अगर ये हुसैन रजी अल्लाह तुम बचकर कहीं यजीद के पास पहुंच गए तो फिर हमारा कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा और हमारी फिर सामत आ जाएगी लिहाजा उन्होंने पती किया हजरत हुसैन को रजी अल्लाह तुम लामा डॉक्टर कल में सादिक ने फरमाई और मैं मुझे मेरे इल्म में ये बात पहले नहीं थी वो ये कि हजरत हुसैन के कत्ल का फतवा एक बहुत बड़े मुफ्ती ने दिया था ये बात भी जरा समझ लीजिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह तुम के कत्ल का फतवा एक बहुत बड़े मुफ्ती ने दिया था क्यों दिया था इसलिए कि हुजूर की अहदीस मौजूद है कि जब एक शख्स की एक खलीफा की बैठ हो जाए तो दूसरा अगर खड़ा हो तो उसे कत्ल कर दो खुली होती इसीलिए एक बहुत बड़े मुफसर भी हैं फ़कीर भी हैं काजी इबन अरबी रहमत एक इबन अरबी हैं अलीफ्लाम के बगैर इबन अरबी वो बहुत बड़े सूफी हैं फलसफे हैं अदलुस के हैं ये काजी इबन अरबी हैं जिन्होंने कुरान की एक तफसीर लिखी है इस एतबार से कि सिर्फ उन आयात की तफसीर जिनसे कि फिकही ही आकाम जो है उनका इस्तेमाल होता है ये दो तफसीरें इस तौर से लिखी गई हैं कुरान मजीद की अहकाम कुरान उनका नाम है दोनों का जिनमें से एक जो है काजी अरबी की है उनका एक जुमला नकल होता है हुसैन बैफ जद्दे ही हुसैन कत्ल हो गए अपने ही नाना की तलवार से वो तलवार क्या थी जब किसी की बैत हो चुकी हो फिर कोई खड़ा हो मुद्द खिलाफत मेरे नजदीक हजरत हुसैन मुद्दे खिलाफत नहीं थे ये बात उस वक्त सामने लोगों के नहीं आई बल्कि हुकूमत ने यह बावर करा दिया कि यह तो बागी है यह मुद्दा ही है खिलाफत के उन्होंने तो दावा नहीं किया खिलाफत वो तो सिर्फ उस अमल को रोकने के लिए मैदान में आए थे और इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि उस वक्त तक यह जो तस्वर आज हमारे पास है कि रियासत अलहदा है हुकूमत अलीहदा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान वी आर लॉयल टू पाकिस्तान हम रियात पाकिस्तान के वफादार हैं गवर्नमेंट ऑफ तो पाकिस्तान के वफादार नहीं है वी आर नॉट लॉयल टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो कभी बेनज़ीर की थी हम उसके खिलाफ तहरीक चला रहे थे या कभी किसी और की थी उसके खिलाफ तहरीक चल रही है या कभी उस हक़ की थी उसके खिलाफ तहरीक चल रही है गवर्नमेंट को बदलना तो आवाम का हक है आज उस वक्त नहीं था उस वक्त रियासत और हुकूमत का कोई फर्क नहीं था लिहाजा जो हुकूमत से अखिलाफ़ करे गोया के बागी है ये है असल में वो पेचीदा मसला कि क्यों किसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया इसलिए कि उस वक्त तक रियासत और हुकूमत का फर्क वाजहे नहीं था दुनिया पर यह तो अभी कुछ सौ डेढ़ सौ साल की बात है कि आज हमारा जो पोलिटिकल साइंस का एवोल्यूशन हुआ है वो स्टेज तक पहुंच गया है कि स्टेट अलहदा है हुकूमत अलहदा है हुकूमत तो स्टेट के तीन ऑर्गन में से एक ऑर्गन है एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत की है जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है तीन ऑर्गन है बड़े बड़े उनमें से एक है तो हुकूमत को बदलना तो आवाम का हक हाँ है चाहे वो वोट के जरिए बदले चाहे एजुकेशन अगर पूरा उससे को बदलने का हक हाँ हासिल है दस्तूरी तौर पर हर से उस वक्त ये नहीं था लिहाजा सूरत हाल यह बन गई कि हुकूमत वक्त ने बावर करा दिया मुसलमानों को वरना सोचिए न वास को करना कोई आसान काम था आखिर सब कलमा गो थे कि नहीं थे कलमा गो तो थे ना और हुजूर से अकीदत और मोहब्बत में कभी लेकिन यह कि फतवा अगर एक बहुत बड़े मुफ्ती का जो कि हजरत अल्लामा डॉक्टर कलब सादि साहब ने फरमाया मुझे उस, उस मुफ्ती का नाम भी मालूम नहीं कि एक मुफ्ती ही का फतवा था वो जिसके बिना पर अब इन लोगों ने हज़रत हुसैन को कत्ल किया और यही वजह है कि उन्होंने फिर खेमों को भी आग लगा दी भाई हालांकि देखिए अगर दुश्मनी का इंतकाम होता हजरत अली बिन हुसैन जो बीमार थे जो बाद में जैनदीन रहमत आल के नाम से फिर ये अहल तशयो के चौथे इमाम मासूम है हजरत अली हजरत हसन हजरत हुसैन और फिर हजरत अली बिन हुसैन जैनदीन रहमत क्या उनको भी कत्ल करते थे हजरत हुसैन की नस्ल ही खत्म हो जाती लेकिन नहीं किया आग क्यों लगाई आग इसलिए लगाई कि वो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारी गद्दारी का यजीद के खिलाफ हजरत हुसैन को जो हमने दावत दी वो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ खत्म खतूत की शक्ल में मौजूद है वो खत्म हो जाए डिस्ट्रॉय हो जाए इसके लिए उन्होंने खेमों में आग लगाई बहरहाल ये है तारीखी पस मंजर यह उसी सबाई फितने का तसलसल है जिसने सबसे पहले हजरत उस्मान की जान ली रजी अल्लाह ताल तक मुसलमानों में खाना जंगी रखी हजरत अली को फिर शहीद किया और उसके बाद जो है बीस साल हजरत अमीर मुआविया के तो सर नहीं उठा सके लेकिन फिर जब एक चेंज ओवर हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने मौका गनीमत समझा कि अब खड़े हो जाओ और अब दोबारा एक फितना जो है उसको उम्मत के अंदर पैदा कर दो अच्छा इस मामले में एक बात जो मैंने वहाँ कही कि हमारे यहाँ शायराना जो मुबालगा आमजी है ये मेरी गुफ्तु का हिस्सा उन्होंने हजफ कर दिया है और मैंने एक सुनी शायद बहुत बड़े आलिम जिनके हवाले से आज भी मेरी तकरीर होगी खालिदी हॉल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के के एक शेर के हवाले से कहा कि कतले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद मैंने एक बिल्कुल मोहम्मद शेर है इस्लाम मरा ही नहीं था जिंदा होने का क्या सवाल और अगर किसी दर्जे में मुजमहिल जख्मी हुआ था तो वह तो रहा करबला के बाद भी रहा यजीद की हुकूमत भी रही बनो मैया की हुकूमत भी चली कोई तब्दीली तो नहीं आई ये क्या कह रहे हैं इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद मैंने कहा इस्लाम मरा नहीं था जैसे मैंने ये कहा कि मलूकियत जो है वो अब शुरू नहीं हुई मलूकियत तो भी इस बरस पहले शुरू हो चुकी थी हजरत अबीर बाबिया थी लेकिन जाहिर बात है कि हजरत हसन ने हजरत हुसैन ने उसको कबूल किया और हजरत हुसैन ने तो फिर दस साल तक वली अहदी जो थी चाहे बैठ नहीं की लेकिन उसके खिलाफ मैदान में आते चैलेंज तो नहीं किया इस से यह मामला ए इस्लाम जिंदा होता करबला के बाद यह बेतुकी बात है हाँ हजरत शाह इसमाई शहीद रमत की अगर मैं तशवी को तमसील को सामने रखूं तो इस्लाम की इमारत छह मंजिल आए छठी मंजिल टॉप की वो गिर गई पांच मंजिलें इंटेक्ट थी इस्लाम मरा नहीं था अदालत में शरीयत के मुताबिक फैसले हो रहे थे काजी थे मुफ्ती थे शरीयत नाफिज थी इस्लाम क्या मरा था जबकि खुद कह रहे हैं अल्लामा कलब साजिफ के एक मुफ्ती के फतमे से ही हजरत उसम को कत्ल किया गया अब वो मुफ्ती की राय उसकी बदलीती हो जो भी हो वो जाने अल्लाह जाने लेकिन आम मुसलमान क्या करे इस पहलू से इस्लाम मरा नहीं था हां एक मंजिल गिर गई थी वो गिरी रही एक हजार बरस तक गिरी रही यहां तक के आकर बंगरबी इंपीरियलिज्म ने उसके गिराया बलूकियत का ख्वाबना खत्म किया वो जब रियन बलूकियत दूसरी आ गई वरना वही बादशाही चली है बल्कि दौरे बनोमैया में वो बादशाही पूरी तरह उसने उस बालों पर नहीं निकाले थे असल बालों पर तो उसने निकाले हैं दौरे बनूआ बास मिलाकर और फिर सलातीन जो है तुर्क जो खुलफाए तुर्क खुलफाए उनका भी बादशाह थी और क्या था वो खिलाफत तो नहीं थी तो ये तो इस्लाम में जो भी नक्स वाकई हो गया था कभी वाकई हो गई थी वो तो जू की तू बरकरार रही इसको भी तस्लीम किया मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके कहता कि दोनों हजरात दोनों शिया दानिश्वर और बड़ी आला सतह के जो शिया आलिम थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और मेरी इस बात को चैलेंज नहीं किया असल में तीसरी बात मैंने ये कही कि देखिए हजरत हुसैन रजीलो की इस शहादत के बाद उसके बाद वाक हर्रा भी हुआ है जो वाक करबरा से भी बाद से ज़्यादा भयानक और ज्यादा गिनावना वाक बनु भैया की तारीख है जिसको लोग जानते ही नहीं मदीना के कुछ लोगों ने बगावत की और उन्होंने उसके खिलाफ फौज भेजी और फौज को जो मदीना फतेह कर दिया तीन दिन के लिए हलाल कर दिया जो चाहो करो या जिसे चाहो मारो जिसे चाहो लूटो जिसका घर चाहो बर्बाद करो जिस औरत को चाहो रेप करो और यह तो नबी के अंदर हुआ तो काट खाने वाली मलुकियत के अंदर बहुत से वाकत हुई अब्दुल्ला इब्ने जुबैर खड़े हुए उन्होंने हुकूमत कायम की थी लेकिन यह के वह तो छे साल के लिए कामयाब भी रहे एक हकूमत कायम की बनो के हाथ पर बैक नहीं की बिलासर उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई फिर हजरत जैद खड़े हुए और उन्होंने बगावत की वो भी नाकाम रह गए फिर बल्ब अब्बास में खड़े हुए हज़रत जकिया हजरत हसन रजी अल्लाह तुम के औलाद में से वो भी नाकाम हो गए शहीद हो गए फिर ये समझ लिया गया कि अब ये जहां तक छठी मंजिल है वो तो दोबारा तामीर नहीं हो सकती ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसके पास ताकत होगी उसकी हुकूमत होगी जिसका कबीला ज़्यादा कवी होगा जिसके जिस कबीले में ज़्यादा असमियत होगी मजबूत होगा मतहद होगा ताकतवर होगा उसी की हुकूमत होगी अलबत् उसके नीचे लोगों के अखलाक की असलाह करो सूफिया कराम ने वो काम अपने जिम्मे लिया और बिल्कुल वही काम है कि जो आई महल वैत करते रहे हजरत हसन की औलाद में फिर हजरत इ... अली बिन हुसैन रजी अल्ला हज़रत हुसैन की औलाद में फिर इमाम मोहम्मद बाकिब इमाम मोहम्मद जाफर सादिफ़ और उसके बाद भी पाँच और किसी ने बदवालत नहीं की जैसे उलमाय क़िराम काम कर रहे थे और जैसे सूफिया क़िराम काम कर रहे थे ऐसे ही वो मुसलमानों की इल्मी तरबियत रूहानी तरबियत और तस्खिया कर रहे थे किसी ने हुकूमत को चैलेंज नहीं किया नोट कर लीजिए इस बात हजरत अली ने भी चैलेंज नहीं किया था हजरत हसन ने चैलेंज नहीं किया सुलस कर ली तो अइम्मा अहलबैन जो बारह ये बिनते हैं जिनमें से आखिरी जो है हजरत मेहदी को तो अभी जाहिर होना है उनके तकीदे के मुताबिक वो रू हैं वो ज़ाहिर होंगे लेकिन ग्यारह हजरात के बारे में यह कि हजरत हुसैन के सिवा किसी ने भी चैलेंज नहीं किया वक्त के और हजरत हुसैन ने भी इस मुगालते पर किया कि कूफी साथ देंगे और ये मौका है कि यह जो छठी मंजिल इस्लाम की गिर गई है इसे दोबारा तमीर कर दिया जाए उन्होंने खिलाफत का दावा नहीं किया था ये उन्हें मुगालते में मुतला किया गया कि यह खिलाफत का मुद्दा ही होकर सामने आया जैसा कि मैंने आपसे कहा था अबीर थाविया ने हजरत अली के अजय खिलाफत में कभी खिलाफत का दावा नहीं किया मुद्दा मुद्दई खिलाफत नहीं थे वो वो तो यह कहते थे कि कातिलान हुसैन जो है कातिलानस्मान को सदा दो सास दो बस इसी तरह हजरत हुसैन ने भी अब देखिए इस जमीन में इसमें कोई शक नहीं है हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तुओ की जो शहादत हुई है उनके साथियों की अज़ा व अब की तारीख़ इंसानी में ये आज़म, हिम्मत शजात मुसाबरत सब्र इस्तला इस्तकामत इसकी बहुत रोशन मिसाल है बहुत रोशन मिसाल है बहुत रोशन मिसाल लेकिन इससे तारीख की रफ़्तार पर कोई असर नहीं पड़ा वो जो मलूकियत आ गई थी वो और गहरी से गहरी होती चली गई वाक करबला के बाद तो वाक हरना हुआ मैंने गिनवा दिया उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कि और हमारे लिए लाइक शर्म जो है कोई वाक है ही नहीं इस पहलू से लेकिन हजरत हुसैन का एक अब उनको ये कि मैं मतलब ये अगर मैं इनके हाथ पर बैठ कर लेता हूँ जो कि उस वक्त सामने मौजूद थे कि यजीद की बैठक तुम्हारे हाथ पर करता हूँ तो गोया कि अपने आप को सरेंडर कर देते हैं वही खतरा जो अमीर मुआविया को था मुझे वो तो पहुंचने भी नहीं देंगे अली तक रजी अल्लाह और मुझे पहले ही शहीद कर देंगे यही खतरा हुसैन को था रजी अल्लाह तो कि मुझे अजीज तक पहुंचने नहीं देंगे पहले कतल कर देंगे और वैसे भी ये एक शराफ़त मुरुअत और हमीयत और गैरत और इज्जत नफ्स का तकाजा भी था कि भाई मामला है यजीद का मेरा मुझे वहाँ जाने दो अल्लाह खास होगा यूक्रेन एस्कॉर्ट मी मेरे दाएं बाएं चलो ताकि मैं कहीं और भागना जाऊं तुम्हारे ख्याल में मुझे वहां पहुंचा दो मैं वहां पर जाकर उससे मामला कर लू लेकिन उन्होंने कत्ल किया असल कूफी वही सबाई अल्बत्ता यह है कि इस वाक्य की जो यादगार है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक ग्रोह के दिल में कर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया इसमें कोई शक नहीं और जिस तरीके से आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है जिस तरीके से उसने अहले तशयो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेानतहा पैदा कर दिया अगरचे वो जज्बा बरुआकार नहीं आता इसलिए कि उनके यहाँ ये अकीदा है ये तय है कि जब तक हजरत महदी जाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे ये पूरी तारीख में उनका मामला रहा तमाम जो है आइम बैत का मामला रहा जब तक मेहंदी नहीं आते कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग वेट एंड सी डेट सॉल ये तो खुमैनी साहब ने किया है आयतुल्ला खुमैनी साहब ने कि उन्होंने ये ईरान के शीओ को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहंदी आ जाएंगे लेकिन हम अब हाथ पर हाथर पर बैठे रहें बातिल को चैलेंज भी ना करें हमें हाँ कुछ तो करना चाहिए वो हाथ पाँव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहंदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए तमहीद करनी चाहिए उनके लाशा हमवार किया जाए तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्ल खुमैनी साहब की कहले तशैय ईरान के जो है उन्होंने उन उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फ़कीह के फलसफे के हवाले से ये दो चीज़ें उनकी जो है बुनियादी फलसफे की हैं वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है उन्होंने अवाम को ऐसा खड़ा किया है कि बीस हजार से लेकर तीस हजार के दरमियान इंसानों ने जाने दे दी औरतों के जुलूस निकले हैं शीर खार बच्चा गोदुए है औरत के और गोली खा रही है और मर रही है गिर रही है आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है और शीर खार बच्चे के लिए माँ की जो जिंदगी है उस माँ को अपनी अपनी जिंदगी कितनी अजीज़ तर होगी कि अपने लिए नहीं तो उस बच्चे के लिए मुझे जीना है ठीक है नहीं गोलियाँ खाइए तो गिरी ये जज्बा उन्हीं में है वाक ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है ये मैं वाशगा कह रहा हूँ पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाह का खात्मा किया ना कि सऊदी अरब में बादशाह बैठी हुई है डटकर बैठी हुई अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है बादशाह और सुनी सुन ही सुन कोई हरकत नहीं वो तो अब जो हरकत हो रही है वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो हो रही है वो दर हकीकत वो मसला बिल्कुल दूसरा है जो इस वक्त हो रहा है लेकिन ये यह आलम इस्लाम में कोई तहरीक ऐसे नहीं उठी ये अहले तशो में है जो बिल्कुल इस्तनाई बात है कि उन्होंने जो है वैसा बादशाह जिसको कहा जाता था कि इसका जो असलाह खाना है वो एशिया में सबसे बड़ा असल खाना है जो ढाई हजार साल पुरानी जो एक एक अजमत थी ईरान की उसको दोबारा ताजा और जिंदा करना चाहता था ढाई हजार साल बरसी उसने मनाई थी उसके लिए एक शायर आबाद किया था कै खो या साह या में उसकी यादगार बनाई थी अब वो सोच रहा था कि वही अजमत दोबारा ईरान की होगी जो कै खुसरो के जमाने में थी जिसका कुरान मजीद में सुर के अंदर जिक्र है मशरकी फतूहत मगरबी फतूहत शिमाली फतूहत तो वो बादशाह भागना पड़ा हुआ कुरबानी की मेहस तो ये जो है करबला ने इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसी मशल रोशन की है जिसको कि हर शख्स को देखना चाहिए यह भी इंसान जैसे कि इकबाल ने एक शेर कहा था गालिब के लिए इंसान पर तेरी हस्ती से यह रोशन हुआ है परे मुर्गे तखै की रसाई ताक हो जा तो फिक्र इंसान पर हजरत हुसैन की क़ुरानी से यह वाजे हुआ है कि इंसान किस हद तक जा सकता है कुरबानी देने के लिए अपने किसी मकसद के लिए मकसद उनका जो था मैंने इसीलिए आज पढ़ी थी माजल्ला सुन्मा माजल्ला मैं एक आखिरी बात जो कह रहा हूं वो नोट कर लीजिए एक खास इंतहाई नुक़ नजर के आम किए जाने की वजह से सुन्नियों में भी एक इंतहाई रद्द अमल पैदा हुआ है एक्सट्रीम राइटिस्ट सुन्नी सुन। अगर एक तरफ से हमला किया गया है हजरत उस्मान की नीयत पर उनकी ख्यात उनको खयानत का इल्ज़ाम लगाया गया उन पर अकलमी पर अकलमा परवानी का इल्ज़ाम लगाया गया हज़रत अबू मुसाद शरीफ पर ख़यानत और गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया ये सारी चीज़ें अगर साहब कराम के ऊपर हुई हैं अमीर मुआविया पर अमीर और अमर अल-आस पर तो जवाब में कुछ लोग खड़े हो गए हजरत अली वो इकतदार के तालिब थे माज़ल्ला अहले सुन्नत का मौकफ़ नहीं है हजरत हुसैन इकतदार के तारिम थे हरगिज नहीं हरगिज नहीं हरगिज नहीं वही जो मैंने बताया था सबके लिए लागू रहेगा वो अबीर माविया के लिए है तो हजरत अली के लिए भी हैजरत हुसैन के लिए भी है कि नेक नीयत है आप उनकी किसी राय से इख्ताफ कर सकते हैं लेकिन उनकी नीयत पर हमला नहीं करेंगे नीयत पर हमला करेंगे आपका ईमान बिर रसालत जो है वह बदंगू हो जाता ये रसूल के साथ रसूल ने इनका तस्कर उसका सारा अमल मोहम्मद का किया हुआ है सल्ला तो सहाबी के मामले में ये हमारे यहाँ इनको अहले सुन्नत जो है जो मतदिल मिजाज के और अक्सरियत उनकी ये तो चंद लोग हैं ज़रा कलम चला लेते हैं तो उनकी बहुत सी कुछ छोटी छोटी किताबें भी शाये हो गई हैं बहुत लेकिन उन्हें अहले सुन्नत ने करार दिया नासबी या खारजी जैसे खबारज ने कहा थाजत अली भी काफिर है और हज़रत अबी बाविया भी काफिर काफ़ी रहे आमदास भी काफ़ी रहे महदल्ला शुभ महजल्लह ऐसे ही कुछ लोग हजरत हुसैन पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इकतदार की हवस और तलब के अंदर उन्होंने ये सारा सफ़र किया था और बस ये है कि वो जो बाज़ी थी वो हार गए अल्लाह अल्लाह हर सल्ह इससे इससे आगे क्या है मामला मासल्ल इसीलिए मैंने आए जो पढ़ी थी एक और जो बहुत बज़ाहिर आपको मालूम हुई होगी गैर मुत्ल है मेरे आज के उनवान से आखिरी आयात में से देखो ये आखिरन का घर जो है वो हम खास कर देंगे उन लोगों के लिए जो इस जमीन में अपने इकतदार के तालीम नहीं होते जमीन में इकतदार के तालीम हो गए फसाद हो जाएगा तुम भी तालीम में भी ताली झगड़ा हो होगा लड़ाई होगी दंगा होगा फसाद होगा दारतर वाला फसादा जो लोग ज़मीन में अपने इकतदार के तालिब और उसके नतीजे में फसाद पैदा करने वाले नहीं है उनके लिए हमने आखरत का घर खास किया है वालाबतमुत और आकबत जो है अंजाम क़ार आखरत जो है वह तो मत्कीों के लिए है इसी में आएंगे सब सहाब खो हज़रत अली है रजी अल्लाह तुम और ख़वा वो हज़रत अबी भावियाँ हैं हज़रत ऊस्मान हैं रजी अल्ल् तुम ख़वा हज़रत हसन हैज़रत हुसैन है ऱी अल्लाह तुमान खा अब इब्न ज़ुबैर है ख़वाब्दुल्ल अब इबन अब्बास है ख़वाब्दुल्ल अब इब्न उमर है रजी अल्लाह तुम बढ़ी इस असूल को सामने रख कर इख्तलाफ़ आप कर सकते हैं किसी से भी लेकिन किसी की नीयत पर हमला करेंगे तो असल में आपका ईमान बसानत मजरू हो जाएगा अली को नबी एक्कम सल्ला वम ने अपना नाइब बनाकर छोड़ा था जब गजब तमूक में जा रहे थे मदीने में हजरत अली ने कहा भी कि मुझे आप औरतों के साथ बिठा के जा रहे हैं फरमाया तुम्हारा मकाम मेरे साथ वही है जो मूसा के साथ हारून का था हारून को छोड़कर गए थे ना यहूदियों के पास जब गए थे तोरात लेने के लिए तो तुम्हारा वही मकाम है मेरे साथ तो ये हज़रत अली है रजी अल्लाह उनके बारे में मेरा उनकी क्या अजमत मेरी निगाह में तो ये तीन किताब चेहें मुझे नहीं मालूम तीसरा यहां है, है या नहीं है भारत आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि इनका मुला करें अब यह कि आखिरी बात यह कि असल हमारे करने का काम क्या है देखिए क्यों नहीं किया किसी ने भी खरूज का मामला वो मैं वाजे कर चुका हूँ बगावत नहीं की क्यों एक तो रियासत और हुकूमत में फ़र्क नहीं था जरा खड़ा हूँ और वो बागी करार पाएंगे वाजबो कत्ल हो जाएंगे फतवे की जद में आ जाएंगे ये मामला था और दूसरे ये कि इमारत पूरी गिरी नहीं थी एक मंजिल गिरी थी आज हम कहां खड़े हैं पूरी इमारत गिरी हुई है न शरीफ अदालतें हैं न शरीफ फैसले हैं न नाकाम लाही नाफिज है ना हदूद और सास के मामला कुछ भी नहीं हमारा फर्ज क्या है हजरत हुसैन की मजा करते रहिए तारीफ करते रहिए साहब कराम की मजा करते रहिए मज साबा उसके लिए मजलिस कायम हो रही भाई कर क्या रहे हो थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो दिल का उम्मत उनका गलत लहा माँ का सबत वाला सब तुम वो तो एक उम्मत थी जो चली गई अल्लाह के यहां पहुंच गए जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए तुम्हारे लिए नहीं है तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कमाओगे हमारे लिए रास्ता अब यही है कि खिलाफ रास्ता के मुकम्मल निज़ाम को असर लौक कायम करने के लिए मनहज इनकलाब नबवी को इख्तीय करें मेरी किताब इस पर कैसेट्स इस पर ऑडियो कैसेट्स वीडियो कैसे डी वीडी सब कुछ मौजूद सीरतुलनबी पर तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ फलसफा सीरतुलनबी समझना है सीरत नबी। समझ तो मेरी किताब पढ़िए वरना सीरतनबी आप पढ़ लेंगे वाक़ मालूम हो जाएंगे फलसफे सीरत सामने नहीं आएंगे उसका आप मुताल करेंगे मेरी किताब से और दूसरे ये कि ये खिलाफत कायम करने के लिए जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं तहरीक खिलाफत पाकिस्तान जिसका मैं दाड़ी हूं अदनासा वो तंजीम नहीं है मैं उसका अमीर नहीं हूँ वो एक तहरीक है जैसे तहरीक पाकिस्तान कहलाती थी जिसकी तंजीम थी मुस्लिम लीग पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था लेकिन तहरीक तहरीक पाकिस्तान इस तरह तहरीक खिलाफत पाकिस्तान वो हमने चलाई है तंजीम इस्लामी के तहत ये खिलाफत जब पहली चली थी आज से चौरासी साल कबल नवंबर 1921 में इक्कीस दीना हॉल में वो मुकदमा चला था जिसके नतीजे में बड़े बड़े जो जो लीडर थे हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना हुसैनान मदनी मौलाना कलाम आजाद उन सब को दो दो साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी बगावत मुकदमा ये बगावत ये खालिद दी हॉल इसी में सन इक्यानवे या बानवे में मैंने तीन दिन तकरीरें की थीं जिनमें आज से फिर मैं तीन तकरीरें करने वाला हूँ एक आज शाम को एक कल शाम को रात नौ बजे आज भी कल भी एक परसों इतवार की सुबह को दस बजे है क्या ग्यारह बजे तो ईद में आपराशि शिरकत फरमाएँ ताकि असल जो हमारे करने का काम है तारीख को भी समझना चाहिए तारीख के अवा क्या हैं क्या पसपर्दा क़ार फरमाते हैं क्या किसी शे की असल हकीकत है वो समझना चाहिए लेकिन ये है कि इस एतबार से मैंने जब यह लफ्ज इस्तेमाल किया था उस मुजाकरे में लिप सर्विस कि ये हम सिर्फ़ लिप सर्विस करते रहें मदा बयान करते रहें मलकबत बयान करते रहें हजूर की नाते कहते रहें उससे तो बात नहीं बनेगी जब तक कि वह फ़र्ज मनसबी शहादत अन्नास का जो हमारे ज़िम्मे है बहसीत उमत महम्मद सल्ह्ल वो अदा करें मुझे खुशी तो है कि इसकी भी तइद दोनों हज़रा ने की हाँ यह लिप सर्विस का मामला है अल्लाह ताला हज़रत हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए बल्कि असल में तो हमारे लिए उ रसूल है मोहम्मद चलते हुए हम पाकिस्तान में इस्लामिक का निज़ाम खिलाफत कायम करने की जद्दोजहद करें अकोली हाद्रा वह